हेलो यार, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अब बेटा जी क्या करेंगे, आप सबके कमेंट्स का एकदम तूफान तरीके से जवाब देंगे एंड स्टे ट्यून्ड एकदम मजे तक एंड तक। आई वुड ट्राई एंड रिप्लाई ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, सबसे पहली बात जनरली बेटा जी सब लोग सुन लो, जो भी हुआ ठीक है, आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लोग तूफान मार्क्स से क्लियर हुए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शायद से भी क्लियर नहीं हुए एंड देन कमिंग जून के अंदर एग्जामिनेशन देने वाले हैं। कुछ भी हुआ हो, जस्ट अंडरस्टैंड इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, हमें आगे बढ़ते जाना है, लड़ते जाना है। अगर आप बस उसी निष्ठा से पढ़ते रहेंगे तो जून अटेम्प्ट 110% आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा। तो विद अटमोस्ट फेथ प्रिपेयर फॉर जून अटेम्प्ट। और जो बच्चे क्लियर हुए गो हैड प्रिपेयर फॉर डिसम्बर, जो बच्चों का एग्जीट क्लियर होता और जो बच्चे सी एस बन चुके हैं यारों मचाओ। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं एक एक करके कमेंट्स। सबसे पहला कमेंट हमको दिख रहा है राहुल कुमार जी, यहाँ पे लिखा मैं लैपटॉप राहुल कुमार का। सब टीचर के मैं फंडिंग फॉर 2023 वी जनरली नीड यू, यू आर आवर ओनली होप प्लीज। अरे बेटा जी आपको ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप बच्चों के लिए तूफान क्विक रिवीजन, आप बच्चों के लिए न्यूमेरिकल सेशन अमेंडमेंट, सबका सीरीज और अनाउंसमेंट लेकर आ जाऊंगा। मजे में रहो, मेरी तरफ से सब चीजें तूफान तरीके से आपको तैयार मिलेगी। ओके चलिए, इसके बाद में आपका अगला कमेंट है कमल जी। थैंक यू सो मच कमल जी, थैंक यू सो मच यारा, ये सब आपकी तूफान मेहनत है यारा, तो थैंक यू सो मच एंड आई एम आल्सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू कमल जी। प्रियंका बिहानी, एक गुंडे दे, कभी भी अननेसेसरी डिसहार्टन नहीं होना है। दिस इज ऑल अ पार्ट एंड पार्सल, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का पार्ट एंड पार्सल है। इस एग्जामिनेशन में अगर 10% स्टूडेंट्स क्लियर, सो 90% स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर, दैट डज नॉट मीन दैट दोज 90% डिड नॉट स्टडी हार्ड, दोज 90% ऑल्सो स्टडी हार्ड, बट कहीं ना कहीं और एक कसर रह गई होगी। तो हमें जी जान से आगे बढ़ना है और बस उन 1% चीज़ों पर इम्प्रूव करना है। बस मेरी एक बात को समझना, आई हैव नेवर सीन अ स्टूडेंट हु हैज क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव एंड नॉट बिकम सीएस। तो ये ध्यान रखो, प्रोफेशनल्स लेवल पे आके अपन को डिमोरलाइज नहीं होना है, बस अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है, देना है, देना है और देना है। ओके आगे बढ़ो यारो। आशीष देखो बेटा जी कैसा है, ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के बाद शुरू करना है या नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको सोच समझ के लेना चाहिए। जैसे कि ऊपर भी एक कमेंट था, लास्ट कमेंट भी, कि ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली एंड देयर आफ्टर सीएस के एग्जामिनेशन क्लियर नहीं, एंड दैट इज वाई आप ये चीज हमेशा सजेस्ट कर सकते हैं अपने जूनियर्स को भी, कि वो जब एग्जीक्यूटिव क्लियर होते हैं फर्स्ट टू गेट डन विद द एग्जामिनेशन देन टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। तो एकदम आइडियल सिनेरियो बैठ जाता है, थोड़ा समय लगता है बट बहुत आइडियल सिनेरियो हो जाता है, स्टूडेंट बहुत कंफर्टेबली मैनेज कर लेता है। बट अब बात आती है ट्रेनिंग के साथ में कैसे मैनेज करें। ट्रेनिंग के साथ में थोड़ा कठिन जरूर है बट इम्पॉसिबल कतई नहीं है, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे। एंश्योर करो कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट में आपका प्रोडक्टिव स्लॉट कौन सा है। कुछ बच्चों का मॉर्निंग स्लॉट ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है, कुछ लोगों का इवनिंग ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। तो जो प्रोडक्टिव स्लॉट है उस स्लॉट के अंदर सेल्फ स्टडी दीजिए 4 से 5 घंटे की, और जो अनप्रोडक्टिव स्लॉट है उसमें लेक्चर्स कंप्लीशन करिए। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, फॉर एग्जांपल आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टडी, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 और 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये 4 घंटे की तूफान पढ़ाई कर लूँगा मैं। फिर ना तो कि मस्ती से ऑफिस जाऊँगा, उसके बाद जब मैं शाम को आता हूँ थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद में अब मैं मेरे लेक्चर्स कंप्लीट करूँगा रात के टाइम, बिकॉज मुझे सुबह जल्दी उठना है और मेरा प्रोडक्टिव टाइम सुबह का रहता है, तो शाम को आप इस 4 घंटे कम से कम मुझे मेरे लेक्चर्स पर ध्यान देना। तो बेयर मिनिमम ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। अगर आप बच्चे के लेक्चर्स पहले से हो चुके हैं और सिर्फ आप सेल्फ स्टडी का काम कर रहे हैं, तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है वो मॉर्निंग के स्लॉट में लो, जो भी आपका प्रोडक्टिव स्लॉट है उसमें लो, और जो थोड़े से ईजी सब्जेक्ट्स है वो आपके अनप्रोडक्टिव स्लॉट्स में लो, एंड यू कैन मैनेज इट। हो जाएगा बेटा जी। राइट, नेक्स्ट इज आकांक्षा डरगर जी। माय गुडनेस, मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस, 78 एंड इन कॉर्पोरेट फंडिंग, मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस बेटा जी, खूब 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 पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। और नेक्स्ट इज वेदिका शर्मा, थैंक यू सो मच वेदिका। थैंक यू मयंक, थैंक यू वीट्यूब एजुकेशन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रांजल, एंड थैंक यू अगेन। एक हैंड, थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच। और एक मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट रहता है, जो भी अपने बच्चे जो सी एस बन चुके ना, एक गुंडो, एक जिम्मेदारी अपने ऊपर,
अपन ने अपने जूनियर्स की जितनी हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करनी, ऐसे तो अपन अपने प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस को और तूफान बना देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो दूसरे आपके जूनियर्स के कमेंट है उनको रिप्लाई कर सकते हैं आप, या फिर अपने आसपास आपको जहाँ पे जूनियर मिलते हैं उन बच्चों की हेल्प करके यू कैन प्ले योर रोल, राइट। थैंक यू अंजलि। आइडल रिक्वेस्ट बेटा जी, हाँ आई थिंक बहुत सारे कमेंट्स होंगे कंपनी रिलेटेड, तो मैं वंस एंड फॉर ऑल आंसर करता हूँ। बेटा जी, कंपनी लॉ जो सब्जेक्ट है ना वो तुषार सर पढ़ाने वाले हैं और वो जी जान से पढ़ाने वाले हैं, उसके रिविजन अमेंडमेंट लेक्चर सब तुषार सर के आने वाले हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़े हैं पहले, देखो बेटा जी जो दिसंबर 2022 तक के अमेंडमेंट्स हैं वो तो बेटा जी मेरे रहने ही वाले हैं यूट्यूब पे, वो यूट्यूब से कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। सिर्फ जून 23 का अमेंडमेंट आपको तुषार सर का ही देख रहा हूँ, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, तुषार सर के अभी अपकमिंग तूफान रिविजन्स भी आएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। और जो बच्चे मुझसे पढ़े और मेरे ही रिविजन देखना चाहते हैं वो बेटा जी मेरे भी यूट्यूब पे जो मैराथन एक पुराना वो रहेगा, और साथ में एक्स्ट्रा एज सीरीज है, वो तूफान सीरीज है, वो भी यूट्यूब पे रहने वाली है। तो आप मस्ती से देख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है उसमें, ओके। मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुशा, थैंक यू। मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुषा। ए गुंडे स्टडीशियन रुचिता, रुचिता जी मस्ती से मेहनत करो, आपके मार्क्स आर फाइन द नॉट वेरी लो, सिर्फ एग्रीगेट का इशू ना, इसी तरह से मेहनत करते रहो, यू गोइंग टू क्लियर इन जून, कोई डाउट ही नहीं मुझको, यू आर 100% गोइंग टू क्लियर, यू क्लियर इन जून, ओके। ऐसे आगे बढ़ते रहो। अभिषेक का एक सवाल है, आई गॉट 66 इन फंडिंग, आईबीसी 47, एमसीए 32। हाँ, अब यहाँ पे जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका मान लीजिए फंडिंग के सब्जेक्ट में एग्जम्पशन है और बाकी दो सब्जेक्ट में, या किसी भी मॉड्यूल 3 के एक सब्जेक्ट में एग्जम्पशन है, या फिर एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक सब्जेक्ट में एग्जम्पशन है, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि एग्जम्पशन क्लेम करिए, एग्जम्पशन को अपन ने छोड़ना नहीं है। अब उसके बाद में इट्स अ बेट टू टेक सट्टा, क्योंकि एग्रीगेट बिकम्स अ ट्रबल, राइट। बट मेरे हिसाब से जो समय आप उस सब्जेक्ट को वापस पढ़ने में लगाते हैं, अगर वो सब्जेक्ट आपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स पे लगाओगे तो आपको एग्रीगेट का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो किसी का फंडिंग में एग्जम्पशन है तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फंडिंग के एग्जम्पशन को क्लेम कर लो, फिर आईबीसी और एमसीएस में जो फंडिंग का पढ़ते टाइम 50 घंटे 100 घंटे लगाते हैं वो आईबीसी और एमसीएस में लगा दो जी जान से, तो आपके आईबीसी और एमसीएस में ही बेहतर मार्क्स आ जाएंगे एग्जामिनेशन। तो मेरा सजेशन अगर आप मुझसे लेते हैं, मेरा सजेशन रहता है किसी भी एग्जम्पशन को छोड़ना नहीं चाहिए एंड यू शुड क्लेम इट। अगर किसी व्यक्ति का स्पेशल केस है और वो कुछ और करना चाहते हैं तो आई वुड रिस्पेक्ट दैट, बट मेरा सजेशन रहता ही है। नेक्स्ट इज नीलकमल श्रीवास्तव। बीरज जी, इनका सवाल है कि एग्जाम्पशन कैसे लेना है प्रोफेशनल्स में, आपको कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करना ही नहीं है, इनश्योर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट, पहले तो पढ़ाई अच्छे से करनी हो तो करनी है, सिलेबस कवरेज करना है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हुए जाना है, एंड दुनिया की कोई ताकत आपकी एग्जाम्पशन को नहीं रोक पाएगी। या तो आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, या फिर आप एग्जामिनेशन के अंदर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, या फिर आप जनरली कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं रखते, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रखते, इस कारण से एग्जाम्पशन नहीं होती, अदरवाइज एग्जाम्पशन बहुत मस्ती से आप ले सकते हैं। इन तीन चीज़ों पर काम करो और मचाओ। थैंक यू आयुष कुमार, थैंक यू सो मच एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू प्रोफेशनल्स। शुभिका गर्ग, एक गुंडे सबसे पहली चीज, अननेसेसरी खुद को परेशान नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है या फिर फैमिली का कुछ इशू है या फिर मेंटल हेल्थ की बारे में जो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, स्टे पॉजिटिव। अगर कहीं पे लगता है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी या परेशानी हो रही है तो टेलीग्राम चैनल पे एवरी थर्सडे पोस्ट आता है, शुभम शुक्लेचा मेंटोरशिप के नाम है टेलीग्राम चैनल का, इस पर एवरी थर्सडे पोस्ट आता है, उस पर आप मेल करके अपनी जो भी व्हाट एवर यू गोइंग थ्रू यू सेंड इट ऑन दैट ईमेल आईडी, बहुत प्यारे ढंग से उसका ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, राइट। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज, क्या आपने प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए? बेटा जी, आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आप किस स्टेज पे,
आप प्रोफेशनल स्टेज पे हो तो यहाँ पर आके आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू थिंक ऑफ प्लान बी, यू शुड नॉट थिंक ऑफ प्लान बी. कहीं ना कहीं आप कुछ तो ब्लेटेंट गलती कर रहे होंगे एंड दैट इज द रीजन यू आर अनएबल टू क्लियर. अब वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है कि आप एग्जाम के टाइम में पैनिक कर जाते होंगे, हो सकता है कि आप एग्जाम के टाइम में पैनिक नहीं करते लेकिन जब आपका सेल्फ स्टडी के 9 दिन में 9 पेपर होते हैं उस टाइम पे आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं. तो शांति से बैठिए, अपने एरियाज को एनालाइज करिए एंड मस्ती से एग्जाम दो, यू विल श्योरली क्लियर. अनदर स्मॉल सजेशन, जॉइन अ टेस्ट सीरीज. वंस यू जॉइन अ टेस्ट सीरीज तो दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प. ओके एंड ये गधे शोभे का कभी ऐसी बात नहीं करना, टॉन्ट वॉन्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, जो करना है आप अपने लिए करो. राइट, जस्ट थिंक अबाउट इट, डू नॉट वरी अबाउट एनीवन. आज जो आप करोगे वो अगले 40 सालों तक आपको फ्रूट्स देगा. बस ये माइंड में अच्छा सा एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट लेते हुए मेहनत करो. नेक्स्ट इज निशांत सिंह, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर एग्जामिनेशन इन एसएलसीएम. सुरभि मुद्रा जी, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कंपनी लॉ का. निशा मतो, थैंक यू सो मच. साइमा खान, थैंक यू सो मच एंड कंपनी लॉ का बेटा जी मैंने बताया. कृति, यस बेटा जी, लास्ट टाइम इधर, इस बार भी एसएलसी की रिवीजन सीरीज आएगी, तूफान सीरीज आएगी, कुछ नया भी लेकर आएंगे. ठीक है, तो स्टे ट्यून, कुछ तूफान आए. यस अरुमा जी, बहुत जल्द आएगा, डोंट वरी. Yes, सरस्वती शर्मा जी, do not worry about it. कोई भी ओपन बुक पेपर के अंदर आपको बहुत स्ट्रेटजिकली आगे बढ़ना है, ठीक है ना? तो और क्या स्ट्रेटजीज ला सकते हैं, और कैसे तूफान मचा सकते हैं, उसके लिए और स्ट्रेटजी में लेकर आता हूं. Yes, श्रुति गुखानी, सेम चीज, कुछ तूफान चीज लेकर आते हैं हम लोग एमसीएस के लिए. कोमल सोनी, मैंने बताया बेटा जी कंपनियों के बारे में. थैंक यू विजय वेणुगोपाल, थैंक यू. निर्मल रतावा, देखो बेटा जी ऐसा एग्जैक्ट टारगेट्स मैं आपको नहीं दे सकता कि आपको किस तरह से करना चाहिए, लेकिन हाँ बोथ ग्रुप अगर आपको जून अटेम्प्ट के अंदर देना है तो आपको अभी से प्लानिंग ऐसे शुरू करनी है. हैव माइलस्टोन, बुलेट को जाना है, हाँ, हैव माइलस्टोन्स फॉर योरसेल्फ. कि आप मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि अगले एक महीने में मेरे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए, तो माइलस्टोन रखो कि इंश्योर करो कि 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए. फर्दर जो सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है, आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, उसमें तो 100% ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिविजन करोगे तो काफी आसान हो जाएगा. तो मेरा एक सजेस्टेड प्लान ये रहेगा, 1 मंथ में 4 सब्जेक्ट को टारगेट करो, देन अनदर 1 मंथ में रिमेनिंग 4 को टारगेट करो. तो उस तरह से इन 2 मंथ टाइम विल बी डन विद योर 8 सब्जेक्ट्स, और जो तीसरा महीना बचता है उसके अंदर देन यू क्विकली रिवाइज एवरीथिंग अप अगेन. आई थिंक दिस कुड बी अ फेयर स्ट्रेटजी एंड आई थिंक यू कैन ट्राई दिस. ओके निर्मल. रोशनी, यस गुड डे, बिल्कुल चिंता मत करो, और एमसीएस आईबीसी के लिए और तूफान स्ट्रेटजी लेकर भी आऊंगा मैं. बहुत मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन रूपाली कदम. अंजल, बोथ ग्रुप के लिए जैसे मैंने बताया, आई वुड सजेस्ट 1 महीने का टारगेट रखा, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट, नेक्स्ट 1 महीने का टारगेट रखा, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट. तो मार्च में 4 सब्जेक्ट हो जाने चाहिए, अप्रैल में 4 सब्जेक्ट हो जाने चाहिए, सो दैट आपका जो मई का मंथ है उसके अंदर वापस आप इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे. बाकी आप ऑफकोर्स आपके हिसाब से थोड़ा सा मॉड्यूलेट जरूर कर सकते. थैंक यू भावना. ए अश्विनी, मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, 65 इज अ वंडरफुल स्कोर. कोमल जी, कोमल है ना पूरे, बिल्कुल स्किप करने का सोचना ही नहीं है. एसएलसी में एग्जम्पशन ला सकते हैं, लाइन से एग्जम्पशन है एसएलसी में, डोंट वरी अबाउट इट, इट इज 100% पॉसिबल. उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे प्रिपरेशन करते हैं वो तो करते ही रहिए, साथ में जो एसएलसीएम का आपको मैं थोड़े दिन में अगले एक वीक के अंदर मैं मेरी तरफ से एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा. एनश्योर दैट यू वॉच दैट प्लेलिस्ट एंड एनश्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड विद एवरी कमिंग सेशन ऑफ माइन. एंड सिक्योरिटीज लॉ में एग्जम्पशन लाना वुड बी अ केक वॉक. राइट, मस्ती से रहो, अभी अपने बेसिक प्रिपरेशन पे ध्यान. साहिल जी, 200% गो फॉर ऑल द ग्रुप्स. मार्क्स डिटरमिन नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपके ऊपर रहता है आपने कितना कॉन्फिडेंस रहना है, आपके उस टाइम पे आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रिपरेशन को लेके. मेरे हिसाब से तीनों ग्रुप दो, अगर यू आर प्रिपेयर्ड, क्लासेस करनी नहीं है, सेल्फ स्टडी करनी है, 3 महीने बाकी है, तीनों ग्रुप दे सकते हो आराम से. ओके
चलिए आदिति सौर ए गुंडे आदिति फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेटा जी एकदम मजे से आगे बढ़ो सेम लेक्चर एप्लीकेबल रहेंगे जो भी अमेंडमेंट होंगे मेरी तरफ से मिल जाएंगे एंड सीएस प्रोफेशनल पढ़ाने के बाद से वन थिंग दैट आई लव्ड इज देयर आर अ फ्यू पीपल जो कि बहुत मतलब दे आर इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल इस बार रिजल्ट के बाद में एक व्यक्ति का कॉल आया था जिनसे मेरी बात हुई थी तो उनकी उन्होंने मुझसे बात करके बोला कि माई वाइफ एंड माई किड ऑल्सो वॉन्ट्स टू से थैंक यू सो देन पीपल आर मैनेजिंग दिस कोर्स एट प्रोफेशनल लेवल अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आई थिंक आपने तो बहुत रिसेंटली एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है दैट एग्जामिनेशंस एंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ट्रस्ट मी बहुत प्यारे ढंग से आप ये सब मैनेज कर पाओगे ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट शिवानी मोदा जी मैंने अभी कंपनी लॉ के लिए बोला है ओ गुंडे SSS आप बच्चे का फर्स्ट और थर्ड ईयर हो चुका है सेकंड ईयर अटका हुआ है ना ए ऐसा नहीं टेंशन लेने का कभी कभी क्या होता है सेकंड मॉड्यूल इन इटसेल्फ एग्रीगेट में बहुत परेशानी कर देता है तो बहुत जो बच्चे तीनों ग्रुप देते हैं उनका तो साथ में निकल जाता है और जो बच्चे आइसोलेटेड देते हैं ना थोड़ी सी परेशानी हो जाती है तो घबराओ मत थोड़ा कठिन है बट इस बार मचा दो मेरा सुझाव क्या रहेगा मेरा सुझाव रहेगा तीनों सब्जेक्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो तीनों सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कोई भी छोड़ने का नहीं है सो दैट ऐसा नहीं होगा दैट यू लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न अपनी तरफ से पूरी मेहनत की ना मचा दो डोंट वरी अबाउट इट तीन सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो प्रिपरेशन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में शुरू कर दो वापस थैंक यू महिमा संजना जी जनरली जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है ना उसको मैं कहता हूँ फिर आप मॉड्यूल से ही पढ़ो नोट्स में क्या होता है मेरा क्लास में पढ़ाने का तरीका ऐसा है दैट आई मेक स्टूडेंट्स राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द बुक ओनली तो वो इनकम्प्लीट उसके बिना अगर आप नोट्स से पढ़ेंगे ना तो आपको इतना मजा नहीं आएगा तो मेरा सुझाव रहेगा मॉड्यूल से ही पढ़े आप चाहें तो मेरे यूट्यूब के रिविजन यूज कर सकते हैं उससे आपको काफी बेनिफिट होगा ओके हरीश बिरला हरीश जी सेमिनार एक बार देखिएगा जो इंस्पायर के अपने यूट्यूब चैनल पे है आई थिंक यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पर आप बिल्कुल दे सकते हैं दो मॉड्यूल डिसाइड थैंक यू अर्पिता ओके बहुत 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 छोटे मार्जिन से रह गया है स्वामी श्री जी बहुत छोटे मार्जिन से रह गया एकदम निश्चिंत रहो इस बार एक एक चीज जो भी चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा सेशन में वो सब चीजें फॉलो करिए एंड यू गो टू एस इन जून मस्ती से निकल जाओगे बहुत छोटे मार्जिन से रह गया ये परेशानी नहीं आएगी आराम से निकल जाओगे अभी के लिए फंडिंग और MCS जो है इनको कंठस्थ करने की कोशिश करो अच्छे से एक टारगेट रखिए नेक्स्ट 20-25 डेज का इसमें दोनों सब्जेक्ट एकदम कंठस्थ कर लेंगे फिर IBC की प्रिपरेशन करो और तब फंडिंग का रिविजन पे ध्यान दीजिए फंडिंग में 70 टारगेट करना है अपन को ये मान के लो फंडिंग में 70 टारगेट करना है ये बेयर मिनिमम टारगेट है ठीक है ना निशा जी भरपूर गाइडेंस आएगा आप चिंता ही मत करो पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको आधे ज्यादा गाइडेंस तो यही मिल जाएगा फिर रिविजन लेक्चर्स की भी भरमार आएगी आलोक मिश्रा जी मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस खूब आगे बढ़ो बेटा जी फैजान आई वुड सजेस्ट क्लेम एग्जाम्पशन बिल्कुल दिमाग मत लगाओ 100% क्लेम एग्जाम्पशन ओके अरजान मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस रुतुजा यू कैन टेक योर कॉल बेटा जी कि आपको अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करना है या नहीं अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 3 महीने हैं और जी जान से 100% तीनों ग्रुप देना है जून में और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करना है तो वो भी कर सकते हो कोई परेशानी की बात दैट्स ऑल्सो फेयर आइडिया तीनों ग्रुप अगर जून में देने के लिए आप डिटर्मिंड हैं तो ट्रेनिंग जून के बाद भी कर सकते हो अगर आपको लगता है नहीं सर तीनों ग्रुप नहीं देना आपको मुझे डर लग रहा है एक दो ग्रुप दूंगी ऐसा कुछ करूंगी तो फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करो अभी के लिए क्योंकि जून में क्या अभी 3 महीने बाकी है 3 महीने अगर जी जान पड़ लिए तो आप तीनों ग्रुप आराम से दे सकते हो एंड जून कंप्लीट होते ही इमीडिएटली सेकेंड हाफ ऑफ जून से ट्रेनिंग शुरू कर दीजिएगा ओके श्रेया जी कंपनी के लिए मैंने ऑलरेडी बताया ए मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस मुकुल पांडे जी बहुत जबरदस्त स्कोर है आपका बहुत जबरदस्त एंड स्पेशली टैक्स लॉ SLCM FMSM में तो मचा दिया है आपने बहुत 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 बताएं शिवानी जी मैं बताया कंपनी लॉ के लिए
थैंक यू सो मच सीरियस जर्नी। हीरल निचानी जी, ए गधे 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 हीरल जी, बिल्कुल 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 चिंता मत करो, एकदम पेशेंटली बैठो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अप्लाई फॉर योर कॉपीज थ्रू आरटीआई एंड कॉपीज भेजिए एक बार, मैं थोड़े दिन में वापस एक ईमेल आईडी बता दूँ जिस पर आप कॉपीज भेज पाएंगे एंड उस पर आई गिव यू माय फीडबैक। एकदम निश्चिंत रहो, इतना पैनिक ही मत, है ना, एंड यू क्लियर इट, यू क्लियर इट। प्रोफेशनल के बच्चे बस हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है एंड यू गॉट टू क्लियर इट, ठीक है पिताजी, जस्ट हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस, टेक केयर हीरल। अंकित राज जिकम तिलो के लिए मैंने अनाउंसमेंट किया गधे ऊपर, साक्षी शर्मा जी यस, एडिशन टू के साथ ही कंटिन्यू कर लो एंड जो भी एडिशनल अमेंडमेंट्स वगैरह मैं दूंगा वो सब अच्छे से देख लीजिएगा एंड यू विल बी गुड टू गो। समीक्षा जी सबसे पहले आप क्या करिए, कॉपीज को अप्लाई करिए, उससे आपको एक काफी बेहतर आइडिया मिलेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो। और अगर हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि 15-20 मार्क्स हर सब्जेक्ट में कम हो रहे हैं, देन तो आप बहुत कुछ बड़ी मात्रा में गलती कर रहे हैं। तो आप कॉपीज मंगवाएंगे तो यू गेट अ फेयर आइडिया कि आखिर गलती होगा नहीं, उस पर इंप्रूवमेंट करो एंड आगे बढ़ो। अगर आपको ज्यादा डर है तो एक एक ग्रुप करके दे दो फिर, ठीक है। थैंक यू भावना, थैंक यू तत्सत पटेल, थैंक यू स्मृति, ए स्मृति गुंडे, मैंने कंप्यूटर के लिए अनाउंसमेंट किया। दीपा जी मुझे पता था बच्चों का इतना कंफ्यूजन है, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। सेमिनार में मैंने स्पेसिफिकली इस इशू को एड्रेस किया था कि बच्चों ने ओल्ड सिलेबस देना चाहिए, न्यू, तो आई थिंक अब क्लैरिटी हो गया। वर्षा जी जैसे मैंने बताया, अगर कोई बोध ग्रुप देना चाह रहा है आई वुड सजेस्ट, अब 3 महीने है तो 1 महीने में कोई भी एक ग्रुप निपटा लो, दूसरे महीने में सेकंड ग्रुप, रिमेनिंग ग्रुप निपटा लो और तीसरे महीने फिर उसकी वापस सेल्फ स्टडी करो एक और बार, दैट शुड बी द आइडियल प्लान। शुभम एकदम मजे में रहो, आपका SLCM वर्जन 8 है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके ड्राइविंग में जो जो अमेंडमेंट्स दे रखे हैं वो सारे देखने हैं और अभी जो अमेंडमेंट में लेकर आऊंगा वो देखना है एंड नथिंग, बस निश्चिंत रहो, ठीक है। आपके लेक्चर्स में जो सेबी का नया रेगुलेशन था स्वेडिंग के शेयर्स वाला वो आ चुका है और उसके बाद में कोई बहुत भारी भरकम अमेंडमेंट नहीं है, तो मजे में रहो। युषिता हरदिनिया, कुछ जादू टोना नहीं है यहाँ पे, मजे से रहो, जो मैं प्लेलिस्ट शेयर करूंगा ऐसे हो सकता है आपने ऑलरेडी देखी हो, प्लेलिस्ट पूरी देखो और जो भी अपकमिंग वीडियोस है सिक्योरिटीज लॉ पे वो अच्छे से देखते रहो और आप मचा दोगे, राइट, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स जो चल रहा है उसको अच्छे से स्थिर तरीके से करते रहिए, ओके। किड्स एंड मामा, बेटा जी इस बात को समझना, इस बार का जो SLCM का पेपर था, सॉरी इस बार का जो MCS का पेपर था वो काफी अलग पेपर था, लेकिन फिर भी इतने बच्चे पास हुए हैं और इतने अच्छे स्कोर आए हैं उसका कारण समझना। हर बार अटेम्प्ट में कोई ना कोई पेपर ऐसा आएगा जो आपको एकदम सरप्राइज कर देगा, अब वहां पे आपको क्या करना है, आपको टिके रहना है, आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है उससे, आपको टिके रहना है। यू सी अ क्वेश्चन, राइट एवरीथिंग यू कैन, सी अनदर क्वेश्चन, राइट एवरीथिंग यू कैन, सी थर्ड क्वेश्चन, राइट एवरीथिंग यू कैन, डोंट ट्राई एंड हैव अ थाई ऑफ द परफेक्ट आंसर, के टॉप नॉच आंसर चाहिए, नहीं है, देयर आर सर्टेन आंसर जो आपको नहीं पता है तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आंसर लिखना है और इस तरह से 100 marks पेपर अटेम्प्ट करना होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको नोट्स में मिली जाएगा, आपको मॉड्यूल में मिली जाएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से हैंडल करने हैं, तो स्ट्रेटजिकली करो, एंश्योर करो कि आप अटेम्प्ट करके आए, आपने सबसे पहले CS फाउंडेशन दिया है, CSED दिया, आपने एग्जीक्यूटिव इतना पढ़ा है, आपने प्रोफेशनल इतना पढ़ा है, तो आप रीजनेबल आंसर फॉर्म कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, बस उसको करना है। आप गलती ये करते हैं कि आप छोड़ देते हैं, तो अगर आप रीजनेबल आंसर बनाएंगे तो यू कैन डू इट, सो डोंट वरी, ओके। साक्षी बिरा जी जैसे कि मैंने कहा एकदम मजे में रहो, स्टार्ट करो प्रिपरेशन धीरे 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 धीरे, जो भी प्लेलिस्ट में मेरे रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं वो देखिए धीरे धीरे, सेल्फ स्टडी करो धीरे धीरे एंड थोड़े टाइम में यू विल सी फ्रेश अनाउंसमेंट्स कमिंग अप, ठीक है। तब तक ये टारगेट्स बना के रखिए, माइलस्टोन बना के रखिए कि कब तक क्या क्या हो जाना चाहिए। हरप्रीत जी बिल्कुल आएगा, तूफान आएगा, जबरदस्त रिवीजन आएगा, सो डोंट वरी।
ए गौतम दोषी गुंडे, ऐसा कभी नहीं सोचना। मैं कितनी बार आपको समझाया है, कोई भी एग्जामिनेशन को लेके, कोई भी पेपर को लेके अपने ऊपर इतना बैगेज मत रखिए कि हो दया मेरी ये चीज़ों के लिए ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। डू नॉट कीप सच बैगेज ऑन योरसेल्फ। एकदम फ्री तरीके से बैठोगे तो पास होने की संभावनाएं बढ़ेगी। जितना आप ये प्रेशर लेके बैठेंगे ना, उतना ही ज्यादा पढ़ाई कम होगी, पास होने की संभावनाएं कम होगी। थोड़ा प्रेशर को वीव ऑफ करो, निकालो। एज वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति 22 में सब कंप्लीट कर गया लेकिन उसके बाद में धीरे 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 चलने वाला है, मेहनत ही नहीं करेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। कोई व्यक्ति 24 में क्लियर हुआ लेकिन वो इतना प्रैक्टिकली साउंड है कि वो व्यक्ति 2 साल में आगे बढ़ जाएगा। तो आपका ये रिजल्ट वगैरह अभी आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बट एक्चुअल लाइफ में बींग स्मार्ट, बींग प्रैक्टिकली स्मार्ट, बींग हार्ड वर्किंग, बींग कंसिस्टेंट, दैट इज वॉट एक्चुअली मैटर्स। डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसको इतना ज़्यादा खुद को परेशान मत होने दीजिए, इन थॉट्स को अपने आपको इतना ज़्यादा परेशान मत करने दीजिए। स्टे काम एंड गो अहेड। यस सोनाली, बहुत जल्द एक ईमेल आईडी में शेयर करूंगा, ठीक है? ए गुंडे, 3 महीने बहुत ज्यादा समय होता है, बहुत ज्यादा समय होता है। एकदम मस्ती से प्रिपेयर करो, बहुत आराम से हो जाएगा। 3 months इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, यू गॉट अराउंड 90 days। 90 days में तो आप तूफान मचा सकते हो, राइट? बस एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है और डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना। ये करते रहना तो बहुत आराम से हो जाएगा। यस लता जी, बहुत जल्द एमसीएस आईबीसी के लिए और आपके लिए गाइडेंस सेशन आने वाले। थैंक यू सो मच रिकू। सोनाली भाटिया जी, देखो गुंडे, अभी तक आपने थर्ड ग्रुप स्टार्ट नहीं किया है। आप ये देखिए कि आपके जो रिमेनिंग ग्रुप चल रहा है फर्स्ट ग्रुप, उसकी प्रिपरेशन कैसी है। ऐसा सोचिए, अगर मान लीजिए आपकी फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन अच्छी है तो थर्ड ग्रुप की क्लासेस तो आप 45 डेज में पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। 45 डेज में पूरी क्लास कंप्लीट कर ली एंड देयरआफ्टर सेल्फ स्टडी करके जून में भी आप मॉड्यूल 3 दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके ग्रुप 1 के ही क्लासेस में आपको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देन डोंट नॉट स्टार्ट ग्रुप 3 राइट नाउ, देन यू गो अहेड विद ग्रुप 1। लेकिन ग्रुप 1 की क्लासेस में अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हो जाएगा, देन ग्रुप 3 स्टार्ट करो। 45 डेज के अंदर सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो एंड देन नेक्स्ट 45 डेज में सेल्फ स्टडी करके एग्जाम देके फोड़ दो, ठीक है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आई हैव सीन किड्स डूइंग इट। यस प्रेरणा जी, बिल्कुल आएगा। आशिका जी, आई थिंक मैंने आपको गाइड किया पहले, बिल्कुल देना है। योगिता जी, कंपनी लोगों के लिए मैंने अनाउंस किया। अजली फिर आने ही वाला है, इसमें सोचने की बात है। कृति जी, हैव अ वर्ड एट द एकेडमी ऑफिस, मोस्टली हो जाना चाहिए, आपको चिंता नहीं आएगी, हो जाना चाहिए आराम से, डोंट वरी, जस्ट हैव अ वर्ड द एकेडमी ऑफिस, बोलो कि मेरी वैलिडिटी खत्म हो गई है। जनरली मैं बताऊं क्या होता है, आपका जो वॉच टाइम होता है वो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, बट वैलिडिटी एक्सटेंड की जा सकती है, चिंता मत करिए। सोफिया जी, कंपनी के लिए मैंने अनाउंस किया बहुत जल्दी। हाँ बहुत जल्दी क्या करूँ, कंपनी के मैंने अनाउंस किया, ऊपर आप जाके देखिए। नंदिनी जी कह रहे हैं कि उन्होंने वो नए सिलेबस लाने का सोच रहे हैं, राइट डिसीजन। बेटा जी, ऑल द डिसीजंस आर राइट डिसीजन, जहां पे आपको चॉइस दी है, मतलब देयर इज नो रॉन्ग डिसीजन। इफ देयर वुड हैव बीन अ रॉन्ग डिसीजन तो आपको आईसीएसआई चॉइस ही नहीं देता ना। तो गुंडे, एकदम मजे में रहो, जो आपने सोचा है वो बेस्ट है और उस पर आगे बढ़ो जी जान से। बस न्यू सिलेबस के लिए जा रहे हो तो आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लो बस, ठीक है? ये चीज होता है। पलक पंजाबी, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में अपडेशन आएगा फॉर फंडिंग, ठीक है? तब तक आपको रुकना पड़ेगा। ए दीपाली जी, मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। आई होप अभी तक तो आपने सेमिनार देख लिया होगा और आपके सारे सवालों का आपको तूफान जवाब मिल गया। कृष्णा जी, बिल्कुल आएगी स्ट्रैटेजी, मजे में रहो। नेहा जी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 1 और 2 भी बहुत जल्द निकल जाएगा। एक जोश ही होता है एक व्यक्ति को, वो जोश आपको मिल चुका है मॉड्यूल 3 क्लियर करके। मॉड्यूल 1 और 2 फटाफट से क्लियर करेंगे अपन जून में और फिर रसगुल्ला और गुलाब जामुन खिलाने के लिए आपको पुणे आना पड़ेगा।
जय ग्रेवाल, मीरा जी इतना दिल पे नहीं लेना है किसी का, तो एक बात तो अच्छे समझो, मेरी नजर में हर वो स्टूडेंट बहुत जबरदस्त है जिसने अपना 100% देके एग्जामिनेशन दिया। रिजल्ट समथिंग जो आपके हाथ में नहीं होता, तो आप उस बारे में मत सोचो, आप बस ये सोचो कि आपने अपना 100% दिया क्या। आपने अगर अपना 100% दिया ना, तो मेरी नजर में आप बहुत तूफान हो। बात खत्म। टीना जी 100% रिक्वेस्ट करो आरटीआई के लिए, 100% रिक्वेस्ट करो। अगर आप श्योर हो कि आपने बहुत अच्छे से लिखा था, तो फिर देखिए कि कहां पे गलती हुई। शुभम, मैंने बताया बुध ग्रुप के लिए, 1 month one group, 1 month another group, and the third month kill it by revision, nice fast revision। कनक जी बिल्कुल आएगा। अंक जी, मिनोज, अभिषेक अनाउंस किया बेटा जी, मैंने कंपनी लगा ऊपर। अर्बन नोमैड्स, बेटा जी आप अगर एग्जीक्यूटिव अभी पास हुए हैं 25th of February 2023 को, तो December 2023 आपका पहला अटेम्प्ट मिलेगा, आप मस्ती से दे सकते हैं, आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें या ना करें। किरण जी, आई गेस आपने यूट्यूब पे सेमिनार देख लिया, ये सुपर सॉर्टेड नाउ। यस समीर जी, यू कैन विजिट द ऑफिस ऑल्सो, एंड ऑफिस का जो कनेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आप विजिट कर सकते हैं, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट इट। ठीक है बेटा जी, अगर आप वेबसाइट पे देखना चाहें तो shubhamsuklecha.com भी अपनी वेबसाइट है, इंस्पायर प्रो भी अपनी वेबसाइट है, आप कहीं भी जाके मस्ती से चेक कर सकते हैं, गेट ऑल द डिटेल्स। प्राची शेंद्र, बेटा जी क्या करिए, सिंपल चीज है, अगर आपको लगता है कि थिंग्स आर ऑल परफेक्ट बट फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, आरटीआई से कॉपी के लिए अप्लाई करिए, एंड समझिए कि जिन जिन आंसर्स में मार्क्स कट हुए उसमें क्या रीजन रहा है, और जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर्स में मार्क्स बहुत अच्छे मिले वहां पे समझो क्या रीजन रहा है, तो नेक्स्ट टाइम उन चीजों पर अपन अच्छे से ध्यान देंगे, कि मार्क्स अच्छे आए हैं तो अपन हर आंसर को वैसे ही लिखें, राइट, इस चीज पर ध्यान दो, मचा लोगे, चिंता नहीं करना। शिवालिका कटारी जी, सेमिनार में आई थिंक क्लैरिटी आई होगी। कुणाल जी, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए तो तूफान मचा देंगे, ठीक है आप चिंता मत करो, एक प्लेलिस्ट बनाता हूं मैं बहुत जल्द और शेयर करवाता हूं सबके साथ। यस तनु, वेरी सून। सुरभि, आई थिंक आपका स्कोर अगर आपने बोथ ग्रुप दिया ही था दिसंबर में, तो आई थिंक आप बोथ ग्रुप वापस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है क्योंकि आपके ग्रुप टू के अंदर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर ग्रुप वन के क्लासेस, ग्रुप वन की तैयारी करो, और ग्रुप वन तूफान तरीके से तो चुनो, तो अगर आप बोथ ग्रुप को लेकर कॉन्फिडेंट है तो ही दो, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो कोई भी एक ग्रुप डिसाइड करो सुरभि, एंड उस पे जी जान लगा, हो जाएगा आराम से। यस अंकित जी, मिजोर माइनोस, सिक्योरिटीज लॉ के लिए सब बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज रहती है, आप बस मजे से लेक्चर्स कंप्लीट करते जाओ, आपको एंड में एक डिटेल टेस्ट सीरीज के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपके पूरे सिक्योरिटी लॉ में हर बच्चे का पोर्शन वाइज टेस्ट होगा, फिर 100 marks का पेपर होगा, सब कुछ होगा। मनीषा जी, जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले, पढ़ाई और आर्टिकलशिप को साथ में मैनेज करना थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन आपने स्लॉट्स बनाने, सुबह 4 घंटे का, शाम को 4 घंटे का, जो अनप्रोडक्टिव स्लॉट होता है वहां पे लेक्चर्स रखो, जो प्रोडक्टिव स्लॉट होता है वहां पे सेल्फ स्टडी रखो। एक खुशी, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, अभी तक न्यू सिलेबस का बैच एग्जीक्यूटिव का स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है गुंडे, फॉर ग्रुप टू मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, ग्रुप वन का शायद स्टार्ट हुआ। आर्यन, बहुत है तूफान है, अगर आपके पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं, यू गेट 3 months ऑफ सेल्फ स्टडी थियर प्रोफेशनल में, आप तीनों ग्रुप बहुत आराम से एस कर सकते हैं, ओके। जानवी जी, यस फंडिंग यार मैंने बताया कि सब कुछ आएगा। सेजल बेटा जी, दो ही रूट है, आर्टिकलशिप ज्वाइन करो और सिलेक्टिव मॉड्यूल दे दो आप, आपके सिनेरियो में, या फिर 3 ही महीने जी जान लगा के तीनों ग्रुप दे दो, तो अगर आप कॉन्फिडेंट है तीनों ग्रुप को लेके तो तीनों ग्रुप के लिए जाइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं तीन नहीं ही देने किसी भी हालत में, देन यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप एंड देन यू गो फॉर मॉड्यूल वाइज, तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ कॉन्फिडेंट आर यू फॉर ऑल द 3 groups। विवेक जी, अनाउंस किया बेटा जी मैंने ऊपर काम तीनों को लेके। यस शीतल जी, बहुत जल्द। वर्षा सोनी, बहुत जल्द अनाउंसमेंट आ रहे हैं, मजे में रहो।
श्रुति यादव। देखो बेटा जी, सबसे पहले तो डिसहार्टन होना ही नहीं, डिसहार्टन होना इस बेवकूफी। प्रोफेशनल एग्जाम है ना, पर अपन नॉर्मल कॉलेज एग्जाम नहीं दे रहे ना। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में ये माइंडसेट रखना है सबसे पहले बेटा जी, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपन ने डटे रहे। वो माइंडसेट डेवलप करो आराम से एंड वर्क हार्ड फॉर द कमिंग अटेम्प्ट। जर्नी सी एस सीबीसीएल के भी तूफान रिवीजन आएंगे बेटा जी, बिल्कुल मजे में रहो। ए गुंडे दीक्षा, ऐसे आप कॉलेज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। प्रोफेशनल एग्जाम का अपना एक स्ट्रगल है, तो बस मजे से रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ो। अगर आपको अपनी गलती आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो आरटीआई से एक बार कॉपीज मंगवाइए, सो दैट यू विल गेट टू नो कि मार्क्स नहीं मिले तो कब नहीं मिले, और जिन क्वेश्चन में अच्छे मिले वहाँ पे क्या ऐसा किया था मैंने जो अच्छे मिले, एनालाइज द आंसर। योगेश राव जी कुछ तूफान लेकर आएंगे, आप मजे में रहो और तूफान एग्जामिनेशन स्कोर भी करेंगे फंडिंग में। चलिए बेटा जी, कोमल अग्रवाल जी, ए गुंडे कितनी बार मैंने समझाया है, मैं वापस रिपीटेडली बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी, कभी भी अटेम्प्ट का बैगेज मत रखो अपने ऊपर, कि ये इतना अटेम्प्ट हो गया, ये हो गया, इसका बैगेज मत रखो। एक सिंपल, अगर मान लीजिए कभी छोड़ना भी कोई कोर्स को, तो भी ये कारण से नहीं छोड़ सकते ना कि यार अटेम्प्ट का बैगेज है वगैरह वगैरह। आप ये सोचिए कि आपका 100% शिद्दत से आपने सब चीज़ें छोड़कर पढ़ाई की थी और फिर आपसे नहीं हो रहा है क्या? अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं, तो फिर कुछ और सोचिए। आपको लगता है, जनरली मेजॉरिटी बच्चों से जो मेरी बात होती है, कोई ना कोई कारण रहा है, कभी कोई इशू हो गया, कभी कोई रीज़न आ गया, उस कारण से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो उस केस में यू कैन नॉट कंसिडर अटेम्प्ट एंड कंपेयर इट टू योर कैलिबर कि आपसे होगा या नहीं होगा। अगर आप दुनियादारी छोड़ के भिड़ जाओगे तो शत प्रतिशत होगा, तो हैव दैट माइंडसेट। ओके यश जी, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बेटा जी मैंने, एक गुंडो जो चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, तो आई होप आपने ऊपर बाकी बच्चों के कमेंट्स के अंदर वो चीज सुन ली होगी, राइट। यशिका जी, बहुत 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 जबरदस्त तरीके से इस बारे में और अनाउंसमेंट्स आएंगे कि कैसे और बेहतर स्कोर किया जा सकता है, ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। थैंक यू सिद्धांत, मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस दर्शना जी, बहुत जल्द आई बी गिविंग एन ईमेल आईडी जिस पे आप वो कॉपीज को भेज पाएंगे, सो डोंट वरी। तत्सत परेल, अनाउंस किया है मैंने बेटा जी। दिवाली जी, हमारे सारे नोट्स जो है ना shubhamsuknecha.com वेबसाइट पे जाएंगे, फ्री डाउनलोड्स का एक ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक मिलेगा उसके अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप मस्ती से देख सकते हैं। थैंक यू यश। यस रोहित, बिल्कुल करते हैं प्रबंध। मधुरा जी, गुंडो 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 सर, 10 years के बाद सीएस करना चाहिए क्या? क्वेश्चन नहीं समझा मुझे, अगर आप पूछ रहे हो किसी का 10 years का गैप हो चुका है फिर सीएस करना चाहिए क्या, तो आई थिंक बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते बेटा जी। थोड़ा समय लगेगा फ्लो बनने में, बट आप मजे से कर पाओगे। सुनो भाई, यश आशीष, जूई बेटा जी, मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है बेटा जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। दिन भर लेक्चर्स का सीक्वेंस रहता है, उसके बाद में कुछ ना कुछ इनोवेट करने की कोशिश की मतलब लगी रहती है हर एक बैच के अंदर, तो इस कारण से मेरे लिए कभी कभी कठिन हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इंस्टाग्राम पे मेरे से हो उतना मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँ, बट बेटा जी आई एम रियली सॉरी अगर मैंने नहीं उठाया या मुझसे नहीं पाया, आई एम सॉरी। Yes, प्रेरणा जी, आप कभी भी चाहें तो एग्जम्पशन को बाद में भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके आशा शेट्टी जी, जनरली वॉट हैपन्स इज दैट आई ट्राई एंड कम्युनिकेट इन द मिक्स लैंग्वेज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी,
But recording the lectures in complete English gets difficult practically, because the majority students who even sit on face-to-face batch won't be that comfortable. There are certain concepts which can be explained using both the languages perfectly. And that is the reason. So I also had a lot of requests from South Indian students that please record a lecture, at least a fast track or some lecture in English. But it's very difficult to actually spare some time and do that. But that is in my to-do list. So I'm not too sure. I won't be able to promise you anything, but probably your juniors might be able to take that benefit. That is one of my to-do. Asan. Thank you. Yes, Yara, securities law ka aane hi wala hai. Chinta mat karo. Hey, Gundo. चलो बेटा जी, I think majority बच्चों का यही सवाल था repeated basis पे. ये बेटा जी, जो भी offer prices वगैरह है ना, उसके लिए you'll have to have a word at the academy office. बहुत सारे options हैं, जैसे कि मैंने बताया, shubhamsukhlacha.com, Inspire Pro Academy, कहीं भी visit कर सकते हो आप. 7820898477 इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो. तो जो भी परेशानी है आपको, कोई भी लेक्चर्स को लेके ऑफर्स पूछने हो, वहाँ पे आप आराम से पूछ सकते हैं. ठीक है, मजे में रहो. आई गेस मेजोरिटी बच्चों के वही क्वेरीज हैं, एंड आई थिंक जो बच्चों के कमेंट्स हैं वो उसी बारे में आप कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं. तो आई थिंक आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम अच्छे से. अगर अभी तक आपने वीडियो देखा हो तो हर एक व्यक्ति को उसका आंसर मिल गया होगा. हर व्यक्ति का नाम लेके मैं जवाब नहीं दे पाया, बट आपके सारे सवालों के जवाब हो चुके हैं, जो भी आपने सवाल पूछे थे. आई गेस सो यू आर सुपर सॉर्टेड. ठीक है, एक बार जस्ट समराइज कर लूंगा आप सब बच्चों के लिए. बेटा जी, एकदम मजे में रहना है. तूफान जी जान से मेहनत करके एग्जामिनेशन दे रही है. आज मैं योगा टू सील थ्रू फंडिंग के लिए, IBCA के लिए, MCS के लिए, SLCM के लिए, इन सब सब्जेक्ट के लिए मेरे तूफान अमेंडमेंट लेक्चर्स आएंगे. स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आएंगे ओपन बुक सब्जेक्ट्स को लेके. तो आप एकदम मजे में रहो. और जो भी मेरे अमेंडमेंट्स, रिविजन्स, जो भी आएगा ना, आई विल कीप पोस्टिंग फॉर यू गाइस. यू जस्ट स्टे कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम. सो आपको सब चीजें अच्छे से पता चलती रहेंगी. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी लाइफ गाइडेड, विथ रिस्पेक्ट टू exemptions, आई थिंक हमारा आंसर हो गया कि exemption रहे तो मेरा सजेशन रहता है कि exemption छोड़नी नहीं चाहिए, क्लेम करनी चाहिए. उसके बाद में कैसे प्लानिंग करनी, आई थिंक मेजॉरिटी बच्चों के जो सवाल थे वो यहाँ पे मैंने आंसर करने की कोशिश किया. आई होप दैट दिस वीडियो रियली रियली हेल्प्स यू गाइज. एंड बेटा जी, खूब 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 पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो. ओके, एक रिक्वेस्ट रहेगा बेटा जी आपसे मेरा. मान लीजिए इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करते हैं ना, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए. कोई भी आपको मुझसे सवाल पूछना है तो मैं कोशिश करूंगा कि जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसके अंदर आंसर कर दूंगा. ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं और आपका ही क्वेश्चन पहले किसी ने टाइप कर रखा है, तो यू जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन. समझे आप बेटा जी? इस वीडियो के नीचे आपके देखिए ऑल ओवर इंडिया थाउजेंड्स ऑफ बच्चे हैं, और मैं मेरे दिल से कोशिश करूंगा कि मैं हर व्यक्ति को गाइड कर सकूं. कि अगर मेरे कुछ बेसिक गाइडेंस देने से, मेरे कुछ थोड़ा सा आइडिया देने से उस बच्चे के अगर मार्क्स बेहतर हो जाते हैं और CS बन जाता है, तो मैं सबसे खुश रहूंगा. तो बेटा जी क्या होगा, कन्वीनियंटली चीज कर पाएंगे. अगर आपको कोई भी सवाल है ना, इसके नीचे पोस्ट करिए अगर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, और कोई भी बच्चे का सेम सवाल है तो आप बस उसी क्वेश्चन को लाइक कर दो. तो क्या होगा कि आई सी ए क्वेश्चन एंड देयर आर से 50-60 लाइक्स ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आई विल एड्रेस इट इमीडिएटली, है ना. और क्या होगा, उतने नंबर ऑफ कमेंट्स भी नहीं दिखेंगे, जिससे कि मैं बहुत कंफर्टेबली आप बच्चे को रिप्लाई कर पाऊंगा. और फिर भी अगर आप बच्चे कमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल करो यारों. आई लव 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 टू सी योर कमेंट्स. जिन बच्चों को अपने सवालों का आंसर भी मिल गया होगा, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो एज वेल दैट यस सर, गॉट द आंसर, जस्ट दैट्स इट. ऐसा तो बेटा जी कैसा है, इसी तरह से खूब खूब पढ़ो, खूब 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 आगे बढ़ो. मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस. बाय बाय.